अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फोजिया कंवल, आज आपको स्टेंसिल से पेंटिंग करना बताऊँगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सूट पे स्टेंसिल से फोम पे पेंट लगा के पेंटिंग बताई थी, आज हम ब्रश से करेंगे। और अकॉर्डिंग टू आर पैच डिज़ाइन फ्लावर्स कितना बड़ा, उस हिसाब से आज हम अपने ब्रश को चूज करेंगे, कौन सा ब्रश हमें चाहिए इस पैटर्न के लिए। सेकेंडली, आज हम किसी सूट पे नहीं बल्कि ट्रे कवर पे पेंटिंग करेंगे। ट्रे कवर हमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना आने वाला है और ये हमारी रवायत है, मुसलमानों की सुन्नत भी है कि हम इफ्तारी मोहल्ले में, पड़ोसियों में और रिश्तेदारों में हम भेजते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रे कवर बताएंगे। मैं आपको कटिंग बता देती हूँ कि ट्रे कवर की हम कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लीजिए और उससे दो दो इंच ज़्यादा आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये जैसे हमने कटिंग करके रखी है, उसके बाद आप 11 इंच चौड़ा एक पट्टी लेंगे हम, जो हम फ्रिल देंगे ताकि ये लटकते हुए खूबसूरत लगे। और आज हमने फैब्रिक पेंटिंग में गोल्डन और पर्पल कलर चूज किया है, सो लेट्स स्टार्ट। ये गोल्डन कलर लिया है हमने, ये मैंने राउंड ब्रश लिया है क्योंकि हम ये आधे भी करेंगे। ये देख रही, ये मैंने पैच को फिक्स कर लिया है और यहाँ फोर फिंगर छोड़ा है और ऊपर ये फोर फिंगर। इस तरह से मेजरमेंट करके आप सेंटर पॉइंट इसका ले सकती हैं, क्योंकि बड़ा फ्लावर इसलिए हमने इसको सेंटर में किया है। एक साइड पे आपको पूरा फिल करना होगा। जिस तरह से आपने फोम से किया था, आप फोम से भी कर सकती हैं। गोल्डन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप इसी राउंड ब्रश से या आप जो हमने पर्पल लिया है ये करेंगे। ये आपने देख लिया कि हमने कर लिया और फिर इसको इजीली उठा, अब इसको ड्राई होने छोड़ दें, होल नाइट अगर छोड़ दें इससे बेटर। उसके बाद फिर हम व्हाइट से इफेक्ट्स देंगे। अपने ब्रश में ये हमने थिन ब्रश लिया है और सिर्फ जस्ट एक स्लाइड से टिप पे लीजिएगा व्हाइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब कोई भी पेंटिंग करते हैं, चाहे वो ग्लास पेंटिंग हो या हम डो के फ्लावर्स बनाते हैं, अगर आपने कहीं व्हाइट टच दिया है तो वो बहुत एलिगेंट सा लगता है। चाहे वो हमारी पेंटिंग हो, कोई फ्लावर हो, कोई हमने स्कार्फ पिन बनाया है उसमें अगर आपने व्हाइट स्टेमेंस डाल दिया है या व्हाइट फ्लावर बना के डाल दिया है तो बहुत एलिगेंट सा लगता है आपकी वो चीज़। इसलिए मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी अपनी कोई पेंटिंग हो या कोई मेरा प्रोजेक्ट हो उसमें मैं व्हाइट टच ज़रूर देती हूँ।
ये हमने वाइट के बाद आउटलाइन इसकी ग्रीन कर दी है। मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि आज मैं आपको ट्रे कवर भी बताऊँगी कि इसको कैसे सीते हैं। अब आपका जब ये कंप्लीट हो जाए, एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम पेंटिंग करते हैं फैब्रिक पेंटिंग, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम इसको बैक साइड पे आयरन कर लेते हैं। फिर हमारा वो जो पेंटिंग है पक्का हो जाता है, फिर हम धोने के बाद भी ये चीज़ निकलती नहीं है। अच्छा, मैंने इसके बैक साइड पे ये प्लास्टिक लगाया, ये देखें, और ये मशीन में इजीली सिलाई भी हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने इसलिए ये लगाया कि जब हम ट्रे में कोई चीज़ लगाते हैं तो फिर हमारे एक कपड़ा ख़राब होने का डर होता है कि कोई चीज़, सपोज़ के छोले दही बड़े हम डाल लगा ट्रे में रखते हैं और इसको ऊपर कवर कर देते हैं, तो हमारे से ये वाला कपड़ा ख़राब होने, तो इसलिए मैंने नीचे बैक साइड पे देखे ये मैंने प्लास्टिक लगाया। ये बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है प्लास्टिक की शॉप पे। आप चारों तरफ से इसको सिलाई कर लें। फिर जो मैंने आपको 11 इंच बॉर्डर दिया है, वो हम चारों तरफ से इसकी प्लीट्स के साथ बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए माय ट्रे कवर रेडी है, सेंटर में फ्लावर है, और ये मैंने प्लीट्स के ऊपर ब्लॉक पेंटिंग किया है। वो मैं आपको अलग से ट्यूटोरियल बताऊंगी ब्लॉक पेंटिंग का। बीच में हमने रेगजिन या प्लास्टिक स्टिच किया है ताकि हमारी जो चीज़ है वो रखने के बाद ऊपर का ये फ्लावर हमारा ख़राब ना हो। इसमें प्लीट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। मुझे उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।